प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः उसी बिंदु पर चर्चा करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने जाना कि सामाजिक समस्या समाज के लिए एक व्याधिकारी स्थिति है, एक विचलन की स्थिति है, जिसको समाज उचित नहीं मानता है। समाज उसको दूर करने के लिए संगठित प्रयास करता है ताकि उस विचलनकारी स्थिति व्याधिकारी स्थिति से समाज को मुक्ति दिलाई जा सके और समाज में एक सुस्थापित व्यवस्था प्रणाली कायम की जा सके। जब हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के सिद्धांतों के बारे में, समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरह से राय रखी, भिन्न भिन्न तरह से अपने अपने विचार रखे। सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगवर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत दिया, जिसे सामाजिक विलंबन का सिद्धांत, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अर्थात कल्चरल लैग की थियोरी कहा गया। ऑगवर बताते हैं कि समाज में और सांस्कृतिक व्यवस्था में दो तरह की संस्कृतियां कार्य कर रही। नंबर एक, भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह है जिसको हम सब चारों तरफ हमारे यहां देख रहे हैं, रेडियो, मकान, हमारे अन्य जीवन जीने की जो वस्तुएं हैं, वो सब भौतिक संस्कृति का पार्ट। दूसरी जो संस्कृति का प्रकार है वो है अभौतिक संस्कृति। अकबर बताते हैं कि अभौतिक संस्कृति अर्थात वो संस्कृति जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसमें हम शामिल कर सकते हैं हमारे विचार, मूल्य, भावनाएं, परंपराएं, परिपाठ, ये सब अभौतिक संस्कृति का अंग है। सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वह कहता है कि भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति की जो गति थी, जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, गतिशीलता थी, उस गतिशीलता में अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई। अर्थात भौतिक संस्कृति के समक्ष अभौतिक संस्कृति उतनी प्रगति नहीं कर पाई जितने की होनी चाहिए थी। इसे कहा गया सांस्कृतिक रूप से विलंबना का सिद्धांत, अर्थात अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका बात करते हैं तो ये बात निकल के आती है कि औद्योगिक क्रांति के बाद न केवल पूरी दुनिया बल्कि भारत में भी उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन के साधन, उत्पादन के उपकरण, इन सब में तेजी के साथ परिवर्तन। लेकिन दूसरा हमारा जो पक्ष था अभौतिक संस्कृति का, वो अभौतिक संस्कृति यानी हमारे विचार, मूल्य, परिपाटियां, ये सब उस भौतिक संस्कृति की तुलना में कहीं पीछे रह गए। और भारतीय समाज में ये स्थिति आज बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी लिखी महिला जो पूरी तरह आधुनिक जीवन शैली में अपना जीवन जी रही है, यानी भौतिक संस्कृति के अनुसार वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हिंदू दर्शन में पति परमेश्वर की जो अवधारणा है उसको स्वीकार करती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। ये करवा चौथ का व्रत रखना उस अभौतिक संस्कृति का अंग है, हमारे विचार, हमारे धारणाएं, हमारा मूल्यों का अंग है जिसको आज हम अपनाए हुए। अर्थात अकबर्न की जो थियोरी थी भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति का पीछे रहना, ये आज भारतीय समाज में दिग्दर्शित हो रहा है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को मैं समझता हूं कि आप समझ पाए होंगे, और हमारा जो अध्याय में सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो सिद्धांत है वो एक सिद्धांत आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।